नमस्ते आत्मा, मैं हूं मनीष शर्मा सेकंड साइट फाउंडेशन से। और हाल ही में हमने जैसे रेकी के कुछ कोर्सेज कराए थे 1 और 2 लेवल, तो वहां लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि कुछ एक चीज़ें वीडियो में बता दी जाएं कि कैसे ऑरा क्लीन करते हैं, कैसे ऑरा देखते हैं। तो रेकी के 2-3 वीडियोज़ रहेंगे जिसके अंदर सब विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो ये पहला वीडियो बता रहा हूँ कि हम लोग ऑरा कैसे देखें और समझें, है ना। तो ऑरा देखने का सिस्टम क्या है, एक्चुअली मैंने पिछले वीडियोस में ऑरा देखने की टेक्निक बताई हुई है, बट अगर आपको साफ देखना है, ऑरा प्रेडिक्शन करनी है, तो आपको थर्ड आई पे ही काम करना पड़ेगा। थर्ड आई का चाहे तो कोर्स कर सकते हैं या खुद से ही थर्ड आई पे काम करके कुछ कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। हमारे यहाँ कोर्सेज भी होते हैं, तो थर्ड आई का कोर्स जो लोग करते हैं उनको ऑरा देखना और प्रेडिक्शन करना आ जाता है, तो आप भी वैसा कर सकते हैं। या फिर कुछ चीज़ें हमने वैसे मुफ्त में भी बताई हुई हैं, तो वीडियोज़ में आप ले सकते हो, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में ऑरा देखने वाले वीडियो का लिंक हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। फिलहाल के लिए रेकी के अंदर ऑरा को कैसे महसूस करते हैं, कैसे फील करते हैं, उसके पहले रेकी को हम लोग कॉल करेंगे। रेकी को कॉल करने के लिए जैसे बार बार हमने पीछे वीडियोस बताए हुए कि पहले सेल्फ का आभार मान लें, जैसे मैं स्वयं का आभार मानता हूँ अपना नाम लेके, फिर मैं अपने दीक्षा गुरु, जो भी आपके दीक्षा गुरु हों उनका आभार मान लें, या मेरे द्वारा आपने शक्तिपात किया तो मेरा आभार मान लें, फिर परमात्मा का आभार, फिर रेकी गुरुओं का आभार आप मान लें, जैसे कि डॉक्टर मिकाओ ईसुई, डॉक्टर चुजुरा ईसुई, डॉक्टर हवायो तकाता का आभार मानने के बाद दोनों हाथ रब करते हुए अच्छे तरीके से रेकी एनर्जी को फील करें लें। जब हाथों में सेंसेशन वाइब्रेशन आ जाए, उसके बाद आप एक काम करेंगे, पहले तो आप चक्रास की जो स्कैनिंग है या ऑरा की स्कैनिंग, दोनों तरीके से बताऊँगा। ऑरा की स्कैनिंग करने के लिए आपको किसी के लेफ्ट पैर से आपको धीरे 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 ऊपर लेके जाना, हैंड को बहुत स्लोली स्लोली हैंड को लेके जाना आपको। उससे आपको ठंडा गर्म फीलिंग आएगी, कहीं पे गर्म फील होगा, कहीं पे ठंडा फील होगा। ऐसे ही राइट साइड भी करें या बैक साइड से भी करें, दोनों तरह से करें। तो ये स्कैनिंग का प्रोसेस है, जहाँ पर आपको इसमें, और एक बात बता दें, तो जहाँ पर ठंडा फील होगा वहाँ पर समझ लीजिए कम एनर्जी चल रही है, जहाँ पर गर्म फील होगा वहाँ पर एनर्जी ठीक चल रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कहीं कहीं आपको बबलिंग भी फील होगी कि जैसे एनर्जी ठंडा गर्म हो रहा, तो वो चक्र डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस है स्कैनिंग का। ऐसे ही चक्रों पे आप कर सकते हो, मूलाधार चक्र पे आप राइट हैंड को जैसे लगाइए, और ये दूरी आपकी 2 से 3 इंच या 4 इंच के आसपास रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तभी आपको फीलिंग आएगी। तो 3-4 इंच के दूरी से आप जब फील करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऊपर तक ले जाके आप फील कर पाएंगे, और आप सेल्फ से बता पाएंगे कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन से चक्र में प्रॉब्लम है। और सेल्फ डायग्नोसिस जब होता है, तो आप चक्र के आधार पर उसकी बीमारियों को भी प्रेडिक्शन दे सकते हो चाहो तो। जैसे हार्ट चक्र डैमेज है तो तुम्हारा इमोशन ज़्यादा होगा, या कुछ भी ऐसे आपको जो समझ में आता है, उसके लिए भी वीडियोज़ में बनाता रहूँगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये स्कैनिंग का प्रोसेस है, स्कैनिंग आप ऐसे कर सकते हैं अलग अलग वीडियोज़ में। अगला वीडियो हम लोग डालेंगे क्लिंजिंग के लिए, फिर हीलिंग के लिए, एक एक चीज़ आपको पूरी बताते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद इसके लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेकी वालों को तो जरूर शेयर करें, उनको जानकारी इससे मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं, जो कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दरबार चलाते हैं। दरबार में हीलिंग और रीडिंग्स, आपके बारे में जानकारी पूरे तरीके से मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। दरबार का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर देख लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए वो ग्रुप। और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप आराम से वहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग और रीडिंग लाइफ टाइम फ्री है, ऐसा कुछ उसमें नहीं है कि कभी पैसे देने आते, हमेशा के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो स्कैनिंग प्रोसेस आपका हो गया, अगला वीडियो क्लिंजिंग प्रोसेस पे। थैंक यू वेरी मच।